नमस्कार मित्रों, आज हम लोग माध्यिका के बारे में जानेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में माध्यिका से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 4, 7, 11 और 12 का माध्यिका क्या होगा, मीडियन क्या होगा 3, 4, 7, 11 and 12 का। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले मुझे क्या देखना है, क्या ये गिनतियाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी एक क्रम में होना चाहिए। तो हम लोग देखें कि बढ़ते क्रम में लिखा है, मान लीजिए हाथ की ये उंगलियां हैं बढ़ते क्रम में, तो ठीक बीच वाली उंगली ही क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा, ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरे में देखिए, क्या ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है, तो आप कहोगे नहीं, 11 के बाद 7 फिर 3 आता है, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसको किसी एक क्रम में लिख दूंगा। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखूंगा, तो सबसे पहले 2 लिखूंगा, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर क्या आएगा आपका, 5, उसके बाद 7 और 11। अब इसका माध्यिका देखो, ठीक बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगा इसकी माध्यिका, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए हम इसको देखते हैं, यहाँ पर 9.1, 10.5, 11.2, 12.5, 17.3, 20.5 और 25। देखिए सारे जो भी नंबर लिखे हैं सब बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, तो देखिए कितने नंबर यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक बीच में क्या आएगा, तो आप ठीक बीच में कहोगे कि ठीक बीच में आपका ये नंबर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसकी माध्यिका। देखो 3 इधर छूटा हुआ, 3 इधर छूटा हुआ। आइए इस संख्या को देखिए, तो यहाँ पर देखिए, देखने से पता चल रहा है कि बढ़ते क्रम में है, तो ठीक बीच में कौन संख्या है, तो आप कहोगे सर ठीक बीच में दोनों संख्याएं आ रही हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि ठीक बीच वाली उंगली, तो आप क्या कहोगे, दोनों को पकड़ के आधा कर दीजिएगा, ठीक काटिएगा नहीं अपनी उंगली, नहीं तो चोट लग जाएगी आपको। तो यहाँ पर करोगे कहीं दोनों का आधा करोगे, यानी इसके ठीक बीच में क्या आएगा, इसके ठीक बीच में आपका हो जाएगा 16, ये इसका क्या हो जाएगा माध्यिका, 15 और 17 का जोड़ के फिर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते बिंदु। तो हम उम्मीद करते हैं आपको माध्यिका समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगले वीडियो में हम आपको माध्यिका के कुछ क्वेश्चन और दिखाएंगे, तो तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, धन्यवाद।